हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट में हम लोगों ने तीन वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भी किए थे। ठीक है, आज मैं उससे आगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा पार्ट है उससे आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से जो हमारा आज का जो पहला एग्जाम्पल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, एंड ये जो अल्फा एंड बीटा है ये ऑल्सो रूट ऑफ ऑल्सो रूट एक्स पे पावर टू एन प्लस पी पे पावर एन एक्स पे पावर एन प्लस क्यू पे पावर एन इक्वल्स टू जीरो, वेयर ये जो हमारा n है, n जो है एक इवन इंटीजर है, n इज अ इवन इंटीजर, n इज अ इवन इंटीजर, तब कह रहा है कि सो दैट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर रूट्स ऑफ एक्स पे पावर एन प्लस वन प्लस एक्स पे पावर वन एक्स प्लस वन पे पावर एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है। आप इसको करके सच में आपको अच्छा लगेगा इसको करके। आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो के रूट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा है, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, इस पर पावर कितना है अपना, टू है। एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, टू है, तो इसका मैक्सिमम रूट कितना होगा, दो होगा, और ये क्या है, अल्फा एंड बीटा है। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा इसका भी रूट है, किसका, एक्स पावर टू एन प्लस पी पावर एन एक्स पावर एन प्लस क्यू पावर एन। एक्स पावर टू एन का मतलब हुआ कि इसके रूट कितने होंगे, टू एन। एक्स पावर टू एन का मतलब क्या, एक्स रूट टू एन हो जाएंगे। इस पर एक्स पावर टू है तो इसका रूट टू है, अल्फा एंड बीटा, तो एक्स पावर टू है ना, तो इसके रूट मैक्सिमम कितने होंगे, टू पावर टू एन। उसमें से कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा दो रूट उसके आपको पता है इस इक्वेशंस का। तो यदि दो रूट आपको इस इक्वेशंस का पता है, उसके बाद ये चीज बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा बाय अल्फा इस इक्वेशंस के रूट होंगे, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो इक्वेशन है, एक्स पे पावर टू एन, एक्स पे पावर टू एन प्लस पी पे पावर एन एक्स पे पावर एन प्लस क्यू पे पावर एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको हम लोग एक चलाकी करके इसमें को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, एक्स पे पावर एन का स्क्वायर प्लस पी पे पावर एन एक्स पावर एन प्लस क्यू पे पावर एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं। और ये मान लेता हूं मैं कि एक्स पे पावर एन इक्वल्स टू मैं वाई मान लेता हूं। ठीक है, एक्स पे पावर यदि मैंने इसको क्या कर लिया, वाई मान लिया, तो यहां पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस पी पे पावर एन वाई प्लस क्यू एन इक्वल्स टू जीरो। देख सकते हैं, अब ये जो इक्वेशन है हमारा एक्स पे पावर एन वाला, एक्स पे पावर टू एन वाला, ये क्या हो गया,
इस फॉर्म में चेंज हो गया, वाई में एक क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, ये जो हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, इसके रूट यदि अल्फा एंड बीटा है तो इसके हम सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय मीन्स माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू पी हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब एक्स पे पावर एन वाई है, एक्स पे पावर एन क्या है, वाई है, और एक्स पे पावर एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, मतलब इस एक्स को इस इक्वेशंस को अल्फा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यदि उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, दैट मींस इस इक्वेशंस को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन इक्वल्स टू वाई है, एक्स बराबर क्या है, अल्फा है, मीन्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर एन, और यदि बीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा पे पावर एन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि हम y पे आप किसी एक को रखिए, y बराबर के अल्फा पावर n, तो अल्फा पे पावर n स्क्वायर प्लस p पे पावर n, और y क्या है, अल्फा n प्लस क्यू n इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये अल्फा पे पावर n, इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम लोग बीटा पे पावर एन, उसका रूट्स है बीटा पे पावर एन वाई स्क्वायर पे, वाई स्क्वायर प्लस पी पावर एन प्लस वाई प्लस क्यू पावर एन इक्वल टू जीरो। अब अल्फा पे पावर एन, अल्फा पे पावर यदि x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x पे पावर n इसको यदि y इक्वल्स टू y है, इसका इसका क्या हो गया, y का रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर n, और ये क्या हो जाएगा, बीटा पे पावर n, है ना, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। तो हम लोग इसका यदि सम ऑफ रूट्स निकालें तो अल्फा प्लस अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n कितना हो जाएगा, माइनस पी एन, और अल्फा पावर n बीटा पावर n कितना हो जाएगा, क्यू एन। ठीक है, इतना आ गया। अब हमको शो करना है अल्फा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये रूट्स हैं इस इक्वेशंस का, ये हमको दिखाना है। यदि अल्फा बाय बीटा इसके रूट्स हैं, मीन्स अल्फा बाय बीटा यदि मैं इसमें पुट कर दूं, अल्फा बाय बीटा इसको क्या करें, यदि ये रूट्स हैं इसके, इसका मतलब है कि ये रूट्स यदि इस इक्वेशन पर मैं पुट कर दूंगा, इसका मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग वही चीज करते हैं कि अल्फा बाय बीटा इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो एक्स पे पावर एन अल्फा बाय बीटा रखते हैं, पुटिंग अल्फा बाय बीटा इन दिस इक्वेशन, दैट इज अल्फा बाय बीटा पे पावर एन प्लस वन प्लस एक्स पे पावर वन, एक्स पे पावर वन अल्फा बाय बीटा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस वन पे पावर एन। ठीक है, एलएचएस में ले एलएचएस लेता हूं इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, अल्फा पावर एन, इसको यदि हम लोग सेपरेट करें तो बीटा पावर एन प्लस वन, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा पे पावर एन, ये भी बीटा पावर एन होगा। इसको यदि हम लोग ऐड करें, ऐड यदि करें तो इसको क्या आएगा, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन डिवाइडेड बाय बीटा पावर एन प्लस अल्फा प्लस बीटा पे पावर एन डिवाइडेड बाय बीटा पावर एन। अब देखिए, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, माइनस पी ऑफ एन, माइनस पी ऑफ एन, तो माइनस पी ऑफ एन डाल दिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी पे पावर एन। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज आप इसको गौर से देखेंगे तो माइनस पी
पे पावर n, और n आपको दिया हुआ है इवन इंटीजर, n इज एन इवन इंटीजर, मींस यदि n इवन इंटीजर हो गया, n इवन इंटीजर हो गया तो माइनस पी पे पावर n, n इवन इंटीजर हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको अल्फा बाय बीटा जो है, अल्फा बाय बीटा इस इक्वेशंस में हम लोग सेटिस्फाई, इस इक्वेशंस हम लोग डाले तो इस इक्वेशंस को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को जो सो करना था कि x पे पावर n प्लस 1 प्लस x पावर 1 पे पावर n इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों ने अल्फा बाय बीटा को देख पुट करके देख लिया। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बाय बीटा जो है इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, बीटा बाय अल्फा को भी आप बीटा बाय अल्फा को भी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, है ना। ये आसान है, आप खुद से इसको कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बीटा बाय अल्फा पे पावर एन डालिएगा प्लस वन, प्लस सेम फैशन में आएगा बीटा बाय अल्फा पे प्लस एन, ये भी इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू रखिएगा तो ये आंसर आपको सेम इसी तरह से आएगा, माइनस पी पे पावर एन, माइनस पी पे पावर एन डिवाइडेड बाय बीटा पे पावर एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देखें कि इस इक्वेशंस में कंसेप्ट के साथ साथ में बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन है, है ना। जब तक आप मैथ्स में मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाएंगे तो मैथ्स को अच्छे तरीके समझ नहीं सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल फोर, डाल लेते हैं फोर, चार तीन क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तब आप लोग इसको आराम से देखिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एग्जाम्पल आज का फिफ्थ, आइए कह रहा है कि इफ इफ वन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज स्क्वायर ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर देन सो दैट बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3abc, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चंस में कह रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस इज स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट कह रहा है कि दूसरे का स्क्वायर है। जब भी आपको हिडन इंफॉर्मेशन दिया रहे तो आप रूट्स को उसी के फॉर्म में लिखिए। जैसे ये बोल रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का ये रूट्स, आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि एक रूट्स को अल्फा मान ले दूसरे बीट्स को बीटा स्क्वायर, इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, आपका वेरिएबल कम होगा, है ना। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स बोल रहा है, वो एक रूट बोल रहा है दूसरे का स्क्वायर है, तो एक रूट से दूसरे का स्क्वायर है तो एक को माइनस माइनस अल्फा, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके जो सम ऑफ रूट्स निकालूं, मींस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर निकालता हूं, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यदि करता हूं तो ये हो जाएगा सी बाय ए। अब देख रहे हैं आप इसके
देख रहे हैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब हो गया सी बाय ए। अब यहां से हमको डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू आ गई सी बाय ए पे पावर 1/3, अल्फा की वैल्यू आ गई सी बाय ए वन पे पावर वन, सी बाय ए पे पावर 1/3। तो जब भी आप इस तरह के इक्वेशंस को देखेंगे, इस तरह का यदि इक्वेशंस को देखेंगे, यदि आपको एक रूट्स दिया हुआ रहे और दूसरे रूट्स में रिलेशंस आपको पता है, तो आप इसी फॉर्म में उसको लिखेंगे, और एक फॉर्म में लिखने के बाद उसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने से जो आपका वेरिएबल आपने जो माना है वो वैल्यू आपको पता चल जाएगा। यदि वो वैल्यू पता चल जाएगा तो आपने सम ऑफ रूट्स जो निकाले हैं उसमें उस वैल्यू को पुट कर दीजिए आराम से। तो देख रहे हैं ये इस टर्म से दिया हुआ है, अल्फा को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। यदि हम लोग यहां से अल्फा को एलिमिनेट कर दें तो बी बाय ए और सी में रिलेशन हमको पता चल जाएगा। तो मेनली हमको क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है। अब अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए पे पावर 1/3 है, मैं क्या करता हूं सी बाय ए 1/3 को यहां पे पुट कर देता हूं, सी बाय ए 1/3 प्लस ये मैं यहां से पुट कर रहा हूं सी बाय ए पे पावर 1/3 प्लस अल्फा स्क्वायर मीन्स सी बाय ए पे पावर 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये है माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि इस पे से जो ये पावर है 1/3 और 2/3 ये कुछ हट जाए, है ना। एक ही मेथड है, दोनों साइड क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं। दोनों साइड यदि क्यूब कर दें क्यूब ऑन बोथ साइड, तो सी बाय ए पे पावर 1/3 है, यदि इसका क्यूब करेंगे तो 3 है ना 1 हो जाएगा ये सी बाय ए, प्लस इसको यदि इसका यदि क्यूब करेंगे हम लोग तो सी बाय ए पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर यदि क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसका यदि हम लोग क्यूब करेंगे, एक मिनट, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ना, केवल मैंने इसको स्क्वायर इसको क्यूब कर देने से थोड़ी होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि हम लोग इसको होल यदि क्यूब करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना पड़ेगा, ए तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स सी बाय ए का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा सी बाय ए प्लस सी बाय ए, इसका यदि हम लोग क्यूब करेंगे तो स्क्वायर बचेगा तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है थ्री ए बी मीन्स 3 सी बाय ए पे पावर 1/3 इंटू सी बाय ए पे पावर 2/3, उसके बाद आएगा ए प्लस बी मीन्स सी बाय ए पे पावर 1/3 प्लस सी बाय ए पे पावर 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा माइनस बी बाय ए। ठीक है, देखिए आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है सी बाय ए पे पावर 1/3 प्लस सी बाय ए पे पावर 2/3, ये चीज आपको कहां पे है, ये अल्फा पे पावर क्या है सी बाय ए 1/3, तो सी पे पावर 1/3 प्लस सी पे पावर ए, ये इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, है ना, ये 2/3 आएगा, सी बाय ए पे पावर 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको माइनस बी बाय ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको इसी तरह से लिखेंगे, ये 3 c बाय ए प्लस सी बाय ए, इसको यदि हम लोग ऐड करें तो यह आ जाएगा 3c/a, उसके बाद इसके जगह पर क्या करता हूं मैं माइनस बी बाय ए लिखता हूं, और ये क्या आ गया माइनस बी क्यूब,
दोनों साइड स्क्वायर क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आएगा, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए क्यूब से जो है पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब से यदि पूरा ए क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरा ए क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी। ए क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर, कुछ आपको दिख रहा है, प्लस ये कितना है ए स्क्वायर। अच्छा एक बार मैं पूरा इसको लिख लेता हूँ ना, पता नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब से क्या कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी, यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा, माइनस बी क्यूब। अब बी क्यूब को इधर लेके आ जाइए तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करना था। यही चीज क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, यही बोल रहा था ना प्रूव करने के लिए, बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए बी सी, यही चीज प्रूव करना था। तो हम लोग देखे कि जब भी रिलेशन हमको पता रहेगा, जब भी रूट्स हमको क्या रहेगा, रिलेशन पता रहेगा, तो हम लोग उसके फॉर्म में क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसके बाद वहां से जो वेरिएबल जो हमने माना है उसका वैल्यू रखेंगे और उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे। ये जो पूरा इक्वेशन है ये है यही, ये यही है, लेकिन हमने इसको मैनिपुलेट करने के बाद हमको ये शो करना पड़ेगा, है ना, तो मैनिपुलेशन भी है इसमें। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे आप देख चुके हैं, सी बाय क्या क्या मैंने क्यूब किया, हमको दिख रहा था कि भाई इसको हटाने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया ये प्रूव हो गया, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। आइए अब आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल सिक्स, ये कौन सा एग्जाम्पल है, हाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, है ना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इफ इफ अल्फा इज अ रूट, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, so that 4 alpha cube minus 3 alpha is the other root. ठीक है, कह रहा है कि अल्फा, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो दैट 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इज द अदर रूट। अल्फा इस इक्वेशन का यदि रूट है तो ये शो करना है कि 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा जो होगा इस इक्वेशन का दूसरे रूट है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि देखिए ये जो रूट है ये क्या है, अल्फा में क्या है, पॉलिनोमियल है, है ना, तो अल्फा में यदि पॉलिनोमियल था रूट, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े तुम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को क्या करते, रिड्यूस करते थे, है ना, तो आइए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। यदि
इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमारा इक्वेशन है 4x² + 2x - 1 = 0। इसके रूट्स क्या दिया हुआ है, ये अल्फा। तो अल्फा यदि इसका रूट्स दिया हुआ है तो बोल रहा है कि भाई ये भी इसका रूट्स है, ये शो करके दिखाओ। तो 4x² + 2x - 1 यदि इसका रूट है अल्फा का, अल्फा इसका रूट है, दैट मीन्स अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मीन्स 4α² + 2α - 1 = 0, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब ये जो रूट्स में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रूट्स में जो पॉलिनोमियल में जो रूट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 4α³ - 3α। अब क्या करते हैं, ये 4α² ये अल्फा हो गया हमारा माइनस 3α। अब इस 4α² की वैल्यू को मैं वहां पर पुट कर देता हूं, 4α² क्या आ जाएगा, 1 - 2α। तो अब इस अल्फा की जगह पे 1 - 2α - 3α, मीन्स ये अल्फा हो गया -2α² - 3α। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -2α - 2α². अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा यहां से, 1 - 2α / 4, है ना। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 - 2α / 4, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहां पे रख दीजिए आप, तो -2α - 2 × α² की वैल्यू 1 - 2α / 4, ये 2 कैंसिल हो गया, मीन्स -2α - 1 + ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। तो -2α + α ये कितना हो गया, -2α + α ये आ जाएगा -α - 1, 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचेगा -α - 1/2। अब हमारा जो ये रूट्स है 4α³ - 3α, ये रूट्स नहीं है। अब हमारा रूट्स हो गया क्या, -α - 1/2 है, वही चीज मैं मतलब उसको सिंपली फॉर्म में मैंने चेंज करके -α - 1/2 में ले आया। अब हमको प्रूव करना है कि भाई ये -α - 1/2 इस इक्वेशंस के रूट्स हैं या नहीं है, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये क्या होता है कि भाई यदि इसका रूट्स है, यदि इसका रूट्स है दैट मीन्स इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए उसमें पुट कर देते हैं, तो 4 क्या है, -α - 1/2 का क्या है, स्क्वायर प्लस 2 × -α - 1/2 - 1। LHS हमारा यही है ना, यदि ये 0 हो जाएगा दैट मीन्स ये जो रूट है, इस रूट को जो मैनिपुलेट करके, इसको जो मैनिपुलेट करके मैंने ये रूट्स लाया है, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पे लेके आया हूं। यदि ये रूट्स सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, इसका मतलब ये है उसका रूट्स है, ये वाला इक्वेशंस का रूट्स है। आइए इसको चेक करते हैं, तो 4 इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर निकालेंगे तो इसको खोलते हैं हम लोग, α² + 2α कैंसिल हो जाएगा, α + 1/4 - 2α, और ये आ जाएगा अपना -1 - 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4α² + 4α + 1 - 2α - 1 - 1, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर की जगह पे 1 - 2α फिर से रख दीजिए, 4 अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या रख दीजिए, 1 - 2α / 4 + 4α - 2α, 2α आ गया, ये और इसके बाद ये 1 कैंसिल हो गया, तो -1 बचा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 - 2α + 2α - 1, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0, ठीक है, आंसर नहीं, ये क्या है, RHS।
hence proved. ठीक है, तो आप लोग देखें कि इस तरह के यदि रूट्स रहेंगे पॉलिनोमियल में, यदि रूट्स रहेगा हमारा या रूट्स यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको शो कर देंगे. यदि ये इक्वल्स टू जीरो हो गया तो इसके रूट्स होगा, यदि जीरो नहीं हुआ तो ये इसको रूट्स नहीं होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं मतलब क्वेश्चंस की क्वालिटी आप लोगों को लग रहा होगा है ना, क्वेश्चंस मैं कहीं अच्छे जगह से लेके आया हूँ. आप लोग इसको प्लीज अच्छे ढंग से देखिएगा और खुद से इसको ट्राई कीजिएगा और कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एग्जांपल 7, एग्जांपल 7, फिर से उसी मैनिपुलेशन पे, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू द nth power of other root equal to the nth power of other root, so acp power n divided by 1 plus n plus a पे पावर n c 1 divided by n plus 1 plus b equals to 0. समझ गए, जो लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चंस किए थे जिसका एक रूट्स अल्फा था, दूसरा रूट्स क्या रहा था स्क्वायर था, जो रूट्स दिया हुआ था उसका स्क्वायर था दूसरा रूट. इसी तरह से इसमें एक रूट्स जो है क्या कह रहा है, दूसरे रूट्स का nth पावर है. यदि nth पावर है तो आपको शो करना है ये रिलेशन. ठीक है, आइए इसको शो करते हैं. हम लोग कैसे शो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, मैं इसका एक रूट्स मानता हूं अल्फा, तो दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा भाई, अल्फा पे पावर एन. सेम चीज कीजिए आप इसको, अल्फा प्लस अल्फा पावर एन कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू अल्फा पावर एन कितना आ जाएगा, सी बाय ए. अब अल्फा पे अल्फा पावर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, ये क्या आ गया, सी बाय ए. तो अल्फा की वैल्यू कितने आ जाएगी, सी बाय ए पे पावर वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये होगी अल्फा की वैल्यू. अब इस अल्फा की वैल्यू को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे. इस अल्फा की वैल्यू को आप लोग यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये निकल के आया सी बाय ए पे पावर वन बाय वन प्लस एन प्लस अल्फा पे पावर एन, मीन्स सी बाय ए पे एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस बी. ठीक है, ये जीरो है, ये हमारा ये अल्फा पावर एन रखा, सॉरी ये इक्वल्स टू है माइनस बी बाय ए. अब क्या करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें. एक चीज देखिए, ए इंटू बी का यदि स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि भाई ए जो है अंदर ले जाना चाहते हैं ए को, तो मतलब क्या, ए पे पावर वन बाय टू ये बी हो गया है ना,
जो भी पावर होता है उसका रिवर्स होगा, तब जाकर के ए बाहर आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर ए आ जाएगा, तब जाकर ए बाहर आएगा, ये बी स्क्वायर बचेगा। समझ गए, ये कंसेप्ट समझ गए आप? इसका मतलब है ये चीज समझ गए। मैं क्या करता हूं, ए से वहां पे ए है, यदि यहां पे ए है और यहां पे बी है, मैं क्या करता हूं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए सी बाय ए से पावर वन प्लस एन प्लस वन सी बाय ए, ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई आएगा यहां पे और एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, यहां पे बचेगा क्या, माइनस बी, माइनस बी को अपन इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। अब a c by a पे पावर n प्लस वन है, जब इसको मैं अंदर ले जाना चाहता हूं तो a n प्लस वन आ जाएगा, ये क्या आ जा रहा था, स्क्वायर है तो 1 by 2 आ जा रहा था, ये 1 अपॉन 1 प्लस n है तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन, n प्लस वन क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद c by a एज इट इज रहेगा और ये क्या आएगा n प्लस वन प्लस, इसको यदि आप अंदर कीजिएगा तो ये आ जाएगा a n प्लस वन डिवाइडेड बाय n c बाय a पे पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और इस b को आप इस साइड ले आइए प्लस b, ठीक है। अब a पे पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a है, a ये आपका पावर वन है और यहां क्या है n प्लस वन है, तो इसको यदि हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, हम लोग को पता है a पे पावर n c बचा और ये क्या हो गया 1 n प्लस वन। कुछ कुछ आ रहा है क्या, कुछ कुछ आ रहा है आपको दिख रहा होगा है ना। उसके बाद यहां पे यदि हम लोग ले जाएं इसको ऊपर तो ये आ जाएगा, किस तरह से आएगा, ये a पे पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस n आएगा और ये c बाय ए एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। तो a पे पावर n c डिवाइडेड बाय वन पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ये एन एन कैंसिल हो गया, तो a पे पावर कितना बचा, वन अपॉन एन, उसके बाद ये c और ये क्या हुआ n डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस b, ठीक है। यही हमारा होगा उसका सॉल्यूशन होगा इसका, a पे पावर n c पावर 1 प्लस n और ये क्या है a c पे पावर n, अच्छा हाँ इसको अंदर लेके आइए, ये क्या है a c पे पावर n, a c पे पावर n 1 प्लस n पे पावर n। यदि हम लोग यहां पर निकाले a से मल्टीप्लाई किए a को अंदर ले गए तो c बाय a आ गया, c बाय a ठीक है ना, हाँ c बाय a ओके ओके a n पे पावर c 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस a पे पावर n c, तो ये एन एन यहां पर a पे पावर n बचेगा ना c, यदि यहां पर यदि n डिवाइडेड बाय n प्लस वन है तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन यदि अंदर ले जाएंगे तो n प्लस वन डिवाइडेड बाय n, अब ये 1 क्या हो जाएगा माइनस आएगा, यहां पर 1 माइनस करेंगे तो n प्लस वन माइनस n, 1 ये कट गया, ये कितना बचा 1 बाय n। अब इसको यदि हम लोग अंदर लेके आए a पे पावर n c डिवाइडेड बाय n प्लस वन और हम इस n को बाहर अंदर लेके आते हैं है ना, n को अंदर ले आते हैं ये n प्लस n, तो n प्लस वन हमको क्या है
यहां पे प्रूव ही करना है, n प्लस वन रहेगा, n को केवल अंदर लेके आते हैं इस तरह से, a वन पे पावर n, c ये n और इस पे वन पे पावर n प्लस वन है, इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, a पे पावर n c पे पावर वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस, इसको यदि ये क्या होता मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a पे पावर c n ये हो गया वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस b इक्वल्स टू, सबके क्वेश्चन क्या है जीरो है, प्लस बी को साइड लेके आए थे ना, तो क्या हो गया जीरो हो गया, प्लस बी इक्वल्स टू क्या है जीरो हो गया। तो यही चीज हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है, यही चीज आप देख सकते हैं, यही चीज क्या है प्रूव करना है ना, इसी चीज को क्या करना है प्रूव करना है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, आंसर प्रूव, ठीक है। तो आज हम लोग चार बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, कॉमन रूट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें के हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप प्लीज अच्छे से इसको देखिएगा और अच्छे से खुद से कीजिएगा और इसके कंसेप्ट को समझिएगा कि किस तरह से मैं यहाँ पर सॉल्यूशन किया हूं, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं पर इसको रोकता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।